गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माय नेम इज सारिका। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। टुडे आई विल एक्सप्लेन इन मैरी गोल्ड वर्क बुक स्टैंडर्ड फर्स्ट। इन लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड इन टेक्स्ट बुक। मैंने टेक्स्ट बुक में आपको स्टोरी पढ़ाया था मिट्टू द पैरेट। जो पैरेट होता है उसको क्या पसंद होता है? मैंगो। और वो कहाँ पे होता है? एक झाड़ पे होता है। और झाड़ में और कौन होता है उसके साथ में? क्रो होता है, जो बहुत ही बुरा होता है, ठीक है, जो उसको डराता है, पैरेट को डराता है कि जाए यहाँ से करके। उस स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई थी ना, मैंगो और क्रो और पैरेट की। तो आज हम वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दी थी मैंने स्टोरी, तो आज वर्कबुक में मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करके लिखाती हूँ आंसर, ठीक है ना। तो आज का डेट है 29/12/20 क्लास वर्क, मिट्टू एंड द येलो मैंगो। मिट्टू के साथ कौन है? येलो मैंगो, क्योंकि येलो मैंगो मिट्टू को बहुत पसंद है, ठीक है। तो राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये ऑप्शन है ए बी सी और डी इन द बॉक्स। नंबर वन, मिट्टू वॉज ए, मिट्टू कौन होता है? पैरेट। तो पैरेट का ऑप्शन क्या है? सी। तो आपको यहाँ बॉक्स में क्या लिखना है? सी, ऐसे। नेक्स्ट, मिट्टू हैज ए रेड, क्या रहता है मिट्टू के पास? रेड बलून। क्या रहता है मिट्टू के पास? रेड बलून। तो नंबर सी। नंबर थ्री, मिट्टू वॉज डैश इन कलर, मिट्टू कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर। मिट्टू कौन है? पैरेट है, और कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर। तो आएगा बी ऑप्शन में, आएगा बी। मिट्टू लव टू ईट, मिट्टू लव टू ईट, तो कौन सा आएगा? ये सी। अब नेक्स्ट, वॉट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री। अब मिट्टू ट्री पे क्या देखता है? मिट्टू ट्री पे क्या देखता है? एक बिग येलो मैंगो, ए बिग येलो मैंगो। तो ऑप्शन आएगा ए। नंबर सिक्स, वॉट डिड मिट्टू लाइक, मिट्टू क्या अच्छा लगता है? मिट्टू लाइक्स मैंगोज, मिट्टू क्या अच्छा लगता है? मैंगो। तो आएगा सी। ओके, अब कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67। वॉट डिड द क्रो से टू मिट्टू। अब क्रो मिट्टू क्या बोलता है? गो अवे, दिस इज माई ट्री। क्या बोलता है उसको? यहाँ से चले जाओ, ये मेरा झाड़ है। तो आएगा ए। नो सॉरी, गो अवे, दिस इज माई मैंगो। क्या ये मेरा मैंगो है। तो आएगा सी। हु हैड ए लाउड वॉइस। लाउड वॉइस किसका होता है? क्रो का, मतलब बहुत गुस्से से मिट्टू को डांटता है। नंबर नाइन, व्हाई डिड मिट्टू फ्लाई अवे। अब मिट्टू क्यों उड़ जाता है? मिट्टू फ्लाई अवे, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, मतलब वो क्रो से डर के मारे उड़ जाता है। नंबर टेन, व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री। मिट्टू क्या देखता है ट्री के नीचे? ए रेड बलून। क्या देखता है वो? ए रेड बलून, लाल वाला बलून। नंबर इलेवन, वेयर वॉज द रेड बलून। अब रेड बलून कहाँ पे? रेड बलून बिहाइंड द ट्री। कहाँ पे देखता है वो रेड बलून? झाड़ के पीछे, तो उसको क्या बोलते हैं? बिहाइंड द ट्री। तो ऑप्शन ए बी। नंबर ट्वेल्व, व्हाट डिड मिट्टू पिक अप। अब मिट्टू ने क्या उठाया? द रेड बलून। मिट्टू ने क्या उठाया? द रेड बलून। तो नंबर ए। थर्टीन, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। अब क्रो कहाँ बैठा है? क्रो वॉज सिटिंग इन द ट्री। क्रो कहाँ बैठा है? ट्री के अंदर, इन द ट्री। नंबर सी। अब टर्न करो पेज नंबर 68। नंबर 14, मिट्टू एंड डैश द ट्री। मिट्टू एंड बिहाइंड द ट्री, मिट्टू कहाँ जाता है? झाड़ के पीछे चुप से जाता है। तो डी। व्हाट डिड मिट्टू डू विद द बलून। अब मिट्टू बलून के साथ क्या करता है? वो जोर से बलून को फट करके फोड़ देता है धमाके से। तो ही बर्स्ट इट, क्या करता है? जोर से फोड़ देता है। नंबर 16, हाउ डिड मिट्टू बर्स्ट द बलून। अब मिट्टू बलून को फोड़ा कैसे? ही पिक्ड इट विथ हिज बीक। अब उसने क्या किया? उसने जोर से चोच मारी बलून पे, और बलून फट करके फूट गया। नंबर सी। नंबर 17, हु फेल ऑफ द ट्री। अब कौन गिर गया जैसे आवाज हुआ फट करके बलून का? तो कौन गिर गया झाड़ से नीचे? क्रो। कौन गिर जाता है नीचे? क्रो। तो आएगा नंबर डी। नंबर 18, व्हाट हैपेंड टू द क्रो व्हेन मिट्टू बर्स्ट द बलून। अब जब मिट्टू बलून को फोड़ता है तो क्रो को क्या हो जाता है? क्रो झाड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है, ऐसा पीछे पलटने जाता है, तो जो झाड़ के नीचे झाड़ पे से नीचे गिर जाता है। तो नंबर सी। 19, व्हाई वाज मिट्टू हैप्पी। मिट्टू क्यों हैप्पी हुआ? क्योंकि क्रो फ्लू अवे,
द क्रो फ्लू अवे, क्रो उड़ गया वहां से, डर के मारे क्रो क्या किया, वहां से उड़ के चला गया। नंबर 20, मिट्टू वॉज ए डैश पैरेट, मिट्टू कैसा पैरेट था, मिट्टू वॉज ए क्लेवर पैरेट, कैसा था, क्लेवर। ओके अभी हमारा कंप्लीट हो गया ऑप्शन 68 पेज नंबर। अभी लेट्स स्टॉप, अभी देखो, डू यू लाइक मैंगोस, यस, व्हेन इट विच सीजन, कौन से सीजन में मैंगो आता है, समर सीजन। डू यू गेट टू ईट मैंगोस, यस वी गेट टू ईट मैंगो, हमको मैंगो अच्छा लगता है, गर्मी के सीजन में मैंगो आता है और हमको मैंगो खाने भी मिलता है। नंबर 2, हैव यू ईटन ग्रीन मैंगोस, क्या आपने कच्चा मैंगो खाया ग्रीन कलर का, यस, बच्चे लोग को कच्चा मैंगो भी खाने मजा आता है। नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंट इन द टेस्ट ऑफ येलो मैंगो एंड ग्रीन मैंगो, अब येलो मैंगो कैसा होता है, मीठा होता है क्योंकि वो पका हुआ होता है, और ग्रीन मैंगो कैसा होता है, सार, मतलब खट्टा रहता है, खट्टा मीठा होता है, जो बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है। नंबर 4, व्हाट डज मदर डू विथ ग्रीन मैंगो, अब मदर ग्रीन मैंगो से क्या करती है, डू यू नो, पता है, ग्रीन मैंगो मार्केट से लाने के बाद क्या करती है मम्मी, उसका अचार बनाती है, पिकल्स, है ना, मीठा अचार बनाती, चूंदा बनाती है ना, तो उससे क्या होता है, अचार बनता है ग्रीन मैंगो से, और हम कच्चा भी खाते हैं, नमक लगा के, मिर्ची लगा के, है ना, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 69, लुक एट द पिक्चर एंड टिक मार्क द करेक्ट वर्ड, अब पहला पिक्चर क्या है, पैरेट है या पिकॉक है, पैरेट है, तो हमको टिक करना है पैरेट, दूसरा पिक्चर क्या है, हैन, तो हैन पे टिक करो, तीसरा पिक्चर कौन सा है, पिकॉक, तो आपको पिकॉक पे टिक करना है, चौथा है, फोर नंबर, क्रो, तो आपको क्रो पे पैरेट टिक कर देना, ठीक है ना। अब कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75, 5 पे क्या दिख रहा है आपको, स्पैरो है या पिजन है, पिजन, तो आपको पिजन पे टिक करना है, कबूतर। नंबर 6, डक है या स्पैरो है, चकली है ना ये, तो ये क्या हो गया, स्पैरो, तो इसको टिक कर दो। नंबर 7, ये क्या है, ब्लू कलर का क्रो दिख रहा है आपको कि ककू दिख रहा है, ककू है ये, कोयल, तो ककू पे टिक कर दो। नंबर 8, ये डक है या पिजन है, क्या नजर आ रहा है आपको, पिजन बोले तो कबूतर होता है, और डक बोले तो बदक होता है, ये बदक है, तो डक पे टिक कर दो। अब 9, स्वान, स्वान है या पैरेट स्पैरो है, ये है स्वान, बगला, बदक बोलते हैं ना जो पानी में होता है वो, तो इसको स्वान बोलते हैं, ठीक है, तो स्वान पे आप टिक कर दो। ओके कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71, कलर द पिक्चर फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नेम ऑफ द वर्ड, अब पिक्चर को आप कलर करो और यहाँ पे नाम लिखो, दिस इज ए पैरेट, क्या दिख रहा है ये आपको, पैरेट दिख रहा है, तो आपको कलर करना है। अब नेक्स्ट पिक्चर क्या है, पीकॉक, तो आपको पीकॉक, दिस इज ए पीकॉक ऐसे लिखना है, दिस इज ए पीकॉक लिख के आपको क्या करना है, कलर करना है, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज आ जाओ, पेज नंबर 72, अब हम ग्रामर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड, अब ये राइट क्या कर रही है, टेबल के नीचे है या ऊपर है, टेबल के नीचे है, तो हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना, द रैट इज ऑन द टेबल के अंडर द टेबल, ऑन बोले तो ऊपर, अंडर बोले तो नीचे, तो रैट कहाँ बैठी है, नीचे, तो आएगा अंडर द टेबल, ठीक है, तो अंडर पे आपको सर्कल करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कल द करेक्ट वर्ड, तो आपको सर्कल करना है। नंबर 2, द कैट इज अंडर द बेंच के ऑन द बेंच, अब कैट कहाँ बैठी है, बेंच के नीचे बैठी है, बेंच के ऊपर बैठी है, तो बेंच के ऊपर बैठी है, तो आपको ऑन द बेंच करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, द रैबिट इज बिहाइंड के इन फ्रंट ऑफ द ट्री, अब रैबिट झाड़ के पीछे बैठी है, पीछे को बिहाइंड बोलते हैं, और आगे बैठी तो क्या बोलते हैं, इन फ्रंट, तो कहाँ बैठी है रैबिट, इन फ्रंट, आगे बैठी है, तो इन फ्रंट को आपको सर्कल करना है। नंबर, अभी द जोकर इज, अब जोकर कहाँ दिख रहा है आपको, बॉल के पीछे दिख रहा है या बॉल के आगे, जोकर बॉल के पीछे है, तो क्या आएगा, द जोकर इज बिहाइंड द बॉल, बिहाइंड द बॉल, जोकर कहाँ पे, बिहाइंड द बॉल। अब नेक्स्ट, द डॉग इज गोइंग अप जा रहा है या डाउन, डॉग कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, डॉग पेपर लेके ऊपर जा रहा है, द डॉग इज गोइंग अप द स्टेप, मतलब सीढ़ी चढ़ रहा है अप, ठीक है ना। अब लास्ट, ये द
डॉग इज गोइंग अप द स्टेप के डाउन द स्टेप, अभी अंदर जाके बाहर आ रहा डॉग, न्यूज़पेपर अंदर रख के बाहर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये डाउन द स्टेप, तो इसको क्या बोलते हैं डाउन, ठीक है ना। तो आज हम लोग ने कौन सा पेज कंप्लीट कर रहा, पेज नंबर 66 से लेके कंप्लीटेड पेज 66 टू 72। आपको ये क्या करना है, वर्कबुक में होमवर्क में लिखना है, ठीक है ना, इन होमवर्क, ठीक है। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।